नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना और संजना की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। आज मैं बना रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। स्पेनिश ऑमलेट या स्पेनिश टॉर्टिला स्पेन का एक पारंपरिक व्यंजन है और स्पेनिश व्यंजनों में एक मुख्य व्यंजन है। यह अंडे और आलू से बना एक ऑमलेट होता है। ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। मेरे बच्चे सब्जी भाजी खाने में आनाकानी करते हैं लेकिन वो ऑमलेट बहुत प्यार से खाते हैं, इसलिए मैं उसके लिए बनाती हूँ स्पेनिश ऑमलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेनिश ऑमलेट के लिए हमने लिया है 2 आलू मीडियम साइज के, इसे बारीक काट लिया है। प्याज लिया है 2 मीडियम साइज के, खीरा 100 ग्राम का और 1 टमाटर बड़ा साइज का, इन सबको हमने बारीक काट लिया है। हम लेंगे 4 अंडे। अब हम एक बाउल लेंगे, इन अंडों को तोड़कर बाउल में डालेंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ ही इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। ये देखिए अंडे फेंट लिए हैं। हम पैन गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे तेल और तेल गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। इसे सौते करेंगे, हमें इसे अच्छे से सौते करना है। ये देखिए आलू सौते हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, इसे सौते करेंगे। ये देखिए आलू और प्याज सौते हो गया है। अब हम इसे पूरे पैन में बराबर में फैला देंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे अंडे का घोल इस तरीके से, पूरे पैन में हम इसे फैला देंगे। इसे हमें कम आंच पर पकाना है। जब ये थोड़ा सेट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे खीरा। इसे इस तरह से चारों तरफ पैन में फैला देना है। साथ ही इसमें डालेंगे टमाटर, इसे भी पैन में अच्छे से फैलाकर डालना है। इसे इस तरह से टैप कर दें ताकि ये बराबर से सेट हो जाए। अब इसे ढक दें और इसे धीमी आंच पर पकाना है जब तक कि ये एक साइड पक ना जाए। आइए देखते हैं। ये देखिए ये एक साइड से पक गया है। अब हम इसे दूसरी साइड पलट देंगे इस तरह से। अब हम इसे दूसरी साइड से भी पकने देंगे। हमारा स्पेनिश ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। अब इसे सर्व करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।